हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज की जो वीडियो है वह एक अपडेट वीडियो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से संबंधित। आज 3 अक्टूबर 2018 को UK SSC ने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद कोड नंबर 4 विभाग पंचायती राज का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षा 25 फरवरी 2018 को संचालित की गई थी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सफल अभ्यर्थियों को इस परीक्षा परिणाम के बाद आगे क्या करना है। उससे पहले मैं आप लोगों को रिजल्ट दिखा दूं। वैसे इस रिजल्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप उस रिजल्ट को वहां पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले जो जिलेवार आपका रिजल्ट दिया गया है, सबसे पहला जो है वह है जिला अल्मोड़ा। यहाँ पर जो जनरल रैंक 1 है वो आई हुई है केसर चंद्र जोशी जी की, जिनकी जनरल रैंक है 1 और जिनके एग्ज़ाम मार्क्स हैं 78.75। तो आप सभी सफल अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से, गुरुजी उत्तराखंडी टीम की तरफ से और बहुत बहुत बधाइयाँ। आप भविष्य में ऐसे ही सफलता प्राप्त करते रहें। मैं आपको यह लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर आपको जिलेवार मेरिट लिस्ट घोषित कर दी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो सफल अभ्यर्थी हैं उनको क्या करना है। तो सफल अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाने हैं, इसके लिए भी जिलेवार तारीख घोषित करी गई है। तो सबसे पहले अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, यहाँ से संबंधित सभी सफल अभ्यर्थियों को 26 नवम्बर 2018 को देहरादून राज्य निर्वाचन आयोग परिसर रिंग रोड लाडपुर देहरादून में जाना है और अपने डॉक्यूमेंट सत्यापित करने हैं। और उसके बाद 27 नवंबर 2018 को नैनीताल, पौड़ी, रुद्रप्रयाग के अभ्यर्थियों को अपने डॉक्यूमेंट सत्यापित करवाने हैं। उसके बाद 28 नवंबर को पिथौरागढ़, टिहरी और उत्तरकाशी से सफल अभ्यर्थियों को अपने सभी डॉक्यूमेंट्स निर्वाचन आयोग परिसर रिंग रोड लाडपुर देहरादून में सम्मिलित करने हैं। इसमें आपको प्रातः 9:30 बजे तक अपने मूल अभिलेखों, अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उनकी फोटोकॉपी प्रत्येक के 2 सेट के साथ आपको वहां पर उपस्थित होना है। अब मैं आपको यहां पर वह बता दूं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहां पर वीडियो के लास्ट में दिया गया है। मैं आपको बता दूं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो आपको चाहिए स्थायी निवास या मूल निवास प्रमाण पत्र, सेवा योजन कार्यालय का पंजीकरण प्रमाण पत्र, सेवारत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र मतलब NOC चाहिए, आरक्षण से संबंधित श्रेणी का प्रमाण पत्र यदि किसी का लागू होता है उसको चाहिए, यदि आरक्षण से संबंधित उपश्रेणी का प्रमाण पत्र है तो वह भी आपको जमा करना है, हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट की मार्कशीट, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट चाहिए। और उसके बाद जो ग्रेजुएशन है उसकी या तो डिग्री चाहिए या आपको अस्थायी प्रमाण पत्र देना होगा। यदि आपने डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा प्रथम वर्ष, डिप्लोमा द्वितीय वर्ष, डिप्लोमा तृतीय वर्ष की आपको अंक तालिका जमा करनी है। यदि आप चतुर्थ सेमेस्टर, पंचम सेमेस्टर, छठा सेमेस्टर, डिप्लोमा अधिमानी अर्थात आपको सभी प्रकार के अपने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले जाने हैं और सभी की 2-2 सेट कॉपी ले जानी है और उसके साथ आपको 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जानी है। तो इन सभी सफल अभ्यर्थियों को गुरुजी उत्तराखंडी टीम की तरफ से एक बार पुनः बधाई। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।